हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है और आज हम थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट पार्ट को इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड पार्ट में हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का पहला पार्ट आपने देखा होगा, अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये मैं आपको वीडियो बना के कंप्लीट कर रहा हूँ कोर्स को। बाकी हमारे लाइव क्लास में न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर से। तो यहाँ पर आप देखो, थर्मोडायनेमिक्स का पहले पार्ट आपने कंप्लीट किया हुआ है। चलिए मैं आपको क्लास स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, वो ये है कि फिजिक्स का मेरा जो स्पेशल क्लास होता है अन अकेडमी पर, यह 9 PM पर होता है। रेगुलर 9 PM पर मेरा स्पेशल क्लास होता है। यह क्लास कम्प्लीटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई फी आपको पेड नहीं करना होता। इस क्लास में हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, जहां पर आप नीट का, IIT JEE का, NDA का या बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आता है, उसका आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड JPSIRLIVE आप नोट कर लो। इस कोड को यूज़ करके आप उस क्लास में एंटर कर सकते हो। इस क्लास का लिंक भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और हम रेगुलर इस क्लास के लिंक वहाँ पर देते हैं, तो लिंक के थ्रू आप क्लास में जा सकते हो और आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यदि आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो JPSIRLIVE कोड यूज़ कर लेंगे ताकि आपको 10% का फी का डिस्काउंट मिले। ओके, चलिए फिर आज का हम क्लास स्टार्ट करें और आज हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा गतिकी और ऊष्मा गतिकी का हम पढ़ेंगे आज। पिछले क्लास में आपने समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ा और गैसीय निकाय द्वारा किया गया कार्य भी मैंने आपको समझाया। तो आज सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे समतापी प्रसार में किया गया कार्य, जब हम समतापी प्रसार करते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है या कितना वर्क होता है किसी गैसीय सिस्टम के द्वारा, ये हमको पढ़ना है समतापी प्रसार में। और उसके बाद हम रुद्धोष्म प्रसार के लिए करेंगे। तो समतापी प्रसार में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। समतापी प्रसार में किया गया कार्य, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किए गए कार्य के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा W=, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 to V2। ये होता है किसी भी गैसीय सिस्टम पर, किसी भी गैसीय निकाय पर किए गए कार्य का फार्मूला। ओके, अब यहाँ पर देखो V1 to V PdV, परंतु हमको पता है कि PV = क्या होता है, RT। PV = RT होता है। इस प्रकार से PV = RT में यदि हम P का वैल्यू निकालें तो यहाँ से निकल जाएगा RT/V। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें, दैट इक्वल ये हो जाएगा V1 to V2, P का मान यहाँ से हम पुट कर दें तो हो जाएगा RT/V dV। अब यहाँ पर मुख्य काम है आपको समाकलन, आपको समाकलन करना आना चाहिए। आप यहाँ से समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद हम यदि इसके लिमिट को पुट करें तो वह हमारा किया गया कार्य निकल जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर कर लेते हैं, आरटी हमने बाहर कर लिया। आरटी बाहर करने पर अंदर में बचेगा 1/V dV from V1 to V2, दैट इक्वल टू आरटी और 1/V dV का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग भी हो जाएगा V1 to V2। इस प्रकार से हम 1/V dV को क्या लिख सकते हैं, लॉग भी लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट दैट इक्वल ये होगा आर टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो होगा लाग वी टू माइनस लाग वी वन, लाग वी टू माइनस लाग वी वन दैट इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाग एम माइनस एन, लाग एम माइनस, ये सब मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं और ये फार्मूला आपको यूज़ करना आना चाहिए। हमने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ये सब पढ़ाया हुआ है, आप उसको एक बार रिवाइज करिए। तो लाग एम माइनस लाग एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लाग वी टू अपान वी वन, लाग एम माइनस लाग एन इक्वल टू होता है लाग एम अपान एन। ये फार्मूला है हमारा किए गए कार्य के लिए। अब यदि हम इसको देखो, यहाँ पर लाग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब वह नेपेरियन लाग है, और नेपेरियन लाग को जब हम जनरल लाग में चेंज करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा दैट इक्वल 2.303 आर टी लाग वी टू अपॉन वी वन और टू दी बेस 10 लिख सकते हैं। ये है किए गए कार्य का फार्मूला। ओके, एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। हम जानते हैं कि किसी भी गैसीय सिस्टम में किए गए कार्य का फार्मूला होता है W इक्वल टू वी वन टू वी टू पी डी वी, परंतु हम जानते हैं कि समतापी प्रसार में पी वी इक्वल टू आर टी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से P का मान निकाला और इस P के मान को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया आर टी अपान वी। आर टी कॉन्स्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा क्या, वन अपान वी डी वी। वन अपान वी का इंटीग्रेशन लाग वी होगा, और लाग वी में हम लिमिट पुट करेंगे तो लाग वी टू माइनस लाग वी वन होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा आर टी लाग वी टू माइनस लाग वी वन आर टी लाग वी टू अपान वी वन, मतलब लाग एम माइनस एन इक्वल टू लाग एम होता है लाग एम अपान एन। हमने नेपेरियन लाग को यहाँ पर नेचुरल लाग में चेंज किया तो 2.303 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो लाग 10 के बेस पर उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये है समतापी प्रसार में किया गया कार्य। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समतापी प्रसार में किया गया कार्य और रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य। रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, इसका कैलकुलेशन थोड़ा उसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। स्टार्टिंग तो हम वैसे ही करेंगे, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी वन टू वी टू पी डी वी, परंतु अब हमको मालूम है कि रुद्धोष्म प्रसार के लिए होता है पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू के। ये हमको मालूम है कि किसी भी रुद्धोष्म प्रसार के लिए जो रिलेशन होता है पी और वी के बीच में पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू के होता है, जहां पर गामा एक नियतांक है जो कि सी पी अपान सी वी के बराबर होता है। चलिए अब यहां से हम पी का वैल्यू निकाल लेते हैं, देयर फोर पी इक्वल टू हो जाएगा के अपान वी टू टू दी पावर गामा, या इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू के इंटू वी टू दी पावर माइनस गामा, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस गामा हो जाएगा। देयर फोर अब इस मान को हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी वन टू वी टू, और P का मान यहाँ से पुटअप कर दें तो के इन के वी टू दी पावर माइनस गामा डी वी, ये होगा। इतना वैल्यू को आप अलग से लिखोगे तो इस मान को हमने P के मान को यहाँ पर पुटअप कर दिया तो ये वैल्यू हमको मिल गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। यहाँ पर मिक्स हो गए क्या, एक मिनट, कई बार फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, इसको मैं ठीक से लिख दूँ। K इंटू वी टू टू दी पावर माइनस गामा इंटू डी वी। चलिए अब इसका हम इंटीग्रेशन करें, दैट इक्वल K को हमने कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, और इंटीग्रेशन हो जाएगा वी टू टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। देखो अवकलन समाकलन सब आपको अच्छे से आना चाहिए, अब तो ये एंडिंग का चैप्टर है 11th क्लास का, अभी तक आपको सबको आ गया है। यदि किसी को भी परेशानी है तो आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ो, आपको ये मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट पर,
या हमारे रेगुलर लाइव क्लास में अभी हम 11th क्लास का जो कंटिन्यूअस लाइव क्लास हमारा शुरू से हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। ये तो मैं आपको जो हमारा 11th क्लास का सिलेबस था उसको कंप्लीट करा रहा हूँ, लेकिन हमारा न्यू क्लास स्टार्ट हो चुका है सेशन 22-23 के लिए। वहाँ पर हमने बिगनिंग से क्लास स्टार्ट किया है, उसके शुरुआत में हम आपको गणितीय अवधारणा पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से पूरा आप कैलकुलस वगैरह सब पढ़ेंगे तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिए जो हमारा रेगुलर टाइम में चलता है, जो हमारा लाइव क्लास का रेगुलर टाइम है उसमें मेरा फिजिक्स का क्लास चलता है 8-9 PM शाम को, वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करो। दैट इक्वल के इंटू, अब यहाँ पर देखो ये माइनस गामा प्लस वन को हमने बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया, और अंदर क्या हो जाएगा देखो वी टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन वी वन टू वी टू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इक्वल के अपॉन माइनस गामा प्लस वन अपर लिमिट माने वी टू टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन और माइनस वी वन टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। दैट इक्वल इसको हम क्या लिख सकते हैं के अपॉन माइनस गामा प्लस वन। अब यहाँ पर देखो गामा का पावर माइनस है और प्लस वन है तो माइनस पावर को हम नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी टू अपॉन वी टू टू दी पावर गामा और माइनस ये हो जाएगा वी वन अपॉन वी वन टू दी पावर गामा, इस तरह से। अब ये देखो ये जो लिखा गया है यहाँ पर हम इसके एडियाबेटिक प्रॉपर्टी को, ये जो एडियाबेटिक प्रॉपर्टी है उसको दोनों के लिए अलग अलग से हम लगाते हैं तो क्या मिलेगा देखो नेक्स्ट स्लाइड में। चूंकि हमको पता है, यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि हमको पता है कि पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू, ये गामा है ना वाई नहीं समझना, इक्वल टू के होता है, देयरफॉर इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं पी वन वी वन टू दी पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू टू दी पावर गामा इक्वल टू के लिखा जा सकता है। और यहाँ से भी हम वी वन पी वन का वैल्यू निकालें, यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है के को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, बल्कि यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, अंदर के को मल्टीप्लाई कर दिया तो के वी वन अपॉन वी वन टू दी पावर गामा माइनस के वी टू अपॉन वी टू टू दी पावर गामा, ये होगा दैट इक्वल टू वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा स्पेशल केयर करना कि ये वी वन सॉरी ये और ये यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां ध्यान देना यदि हम पी वन निकालें तो के अपान वी वन टू दी पावर गामा आएगा और पी टू निकालें तो के अपान वी टू टू दी पावर गामा आएगा, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हैं कि पी वन और पी टू का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो P1 P2 का वैल्यू निकालेंगे, एक बार लिख दूं क्या यहाँ पर परेशानी हो सकता है कुछ लोग को, यहाँ पर लिख दूं मैं, इधर एरो लगा के लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इससे। यहाँ से यदि हम P1 निकालना चाहें P1 तो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा K अपान वी वन टू दी पावर गामा, और यदि मैं P2 निकालूं तो K अपान वी टू टू दी पावर गामा होगा, ये दोनों मैंने यहाँ पर अलग से हाईलाइट करके लिख दिया। तो ये जो मैंने राउंड किया हुआ है K अपान वी वन टू दी पावर गामा और K अपान वी टू दी पावर गामा, उसके जगह P1 P2 लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना इसको, ये निकल जाएगा। बट फिर देखो यदि हम इसको इस कंडीशन को फिर अप्लाई कर दें क्या कि P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2, तो P1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ मैं, P1 V1 को हम लिख सकते हैं आर टी वन, आर तो कॉन्स्टेंट है, और P2 V2 को हम लिख सकते हैं क्या RT2। इस तरह से ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें P1 V1 के जगह में और P2 V2 के जगह में, तो P1 V1 और P2 V2 के वैल्यू को यदि हम यहाँ पर पुट अप करें तो क्या मिल जाएगा अपने को, देखो therefore W इक्वल टू वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन और P1 V1 के जगह में हो जाएगा RT1 माइनस RT2, ये होगा दैट इक्वल वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, यहाँ पर हमने दोनों में से आर को कॉमन कर लिया, हो जाएगा टी वन माइनस टी टू, इस तरह से हो जाएगा।
तो यह हो जाएगा, एक मिनट, यहां पर गड़बड़ लिख लिया ना मैंने, अब स्लाइड चेंज किया तो गड़बड़ लिख लिया। वी टू पहले है, वही मैं सोच रहा था फार्मूला उल्टा कैसे आ गया। अपर लिमिट पहले, वी टू पहले है, वी वन बाद में है, स्लाइड चेंज कर लिया तो वन टू को मैं यहां पर चेंज कर डाला। चलिए कोई बात नहीं, वन टू को मैं यहां से चेंज कर देता हूं, यह सब वन वन है वो टू टू हो जाएगा। स्लाइड चेंज करने पर वो ध्यान से हट गया हमारे, क्योंकि फार्मूला उल्टा आ गया तो मुझे पता चल गया। चलिए ये ऐसा है, टू पहले आएगा ना, एक बार देख लो बैक स्लाइड में आप, ये टू टू पहले है, टू पहले है, वी वन बाद में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। चलिए करेक्ट कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा टू टू वन वन, ये टू टू वन वन, तो आर टी टू ये होगा, तो टी टू माइनस टी वन होगा। तो ये इसका किया गया कार्य का फार्मूला है, या इस फार्मूला को हम चाहें तो W इक्वल टू R अपान, यहाँ पर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ से, या ये कहूँ कि अंदर से माइनस को मैं कॉमन करूँ। ध्यान से समझना, जो T1 T2 में बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, मुझे मालूम है कि कई लोग T2 माइनस T1 लिखेंगे, कई लोग वन T1 माइनस T2 लिख डालते हैं, लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि आप माइनस गामा प्लस वन लिखे हैं कि गामा माइनस वन लिखे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन करूँगा, माइनस जब बाहर कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाई होकर गामा को प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा गामा माइनस वन, और अंदर हो जाएगा फिर ये टी वन हो जाएगा और माइनस टी टू। तो दोनों रूप में आप लिख सकते हैं, ये है रुद्धोष प्रक्रम में किया गया कार्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप बहुत ध्यान से सर इसको समझना कि ये देखो, मैं दो टॉपिक जो आज इस क्लास में आपको पढ़ाया, बस दो ही किया गया कार्य मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दूंगा तो आपके लिए बर्डन हो जाता है, छोटा छोटा पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा समतापी प्रसार में किया गया कार्य, तो समतापी प्रसार में किया गया कार्य निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया और P भी इक्वल टू RT यूज किया, उसका समाकलन किया। फिर हमने देखा रुद्धोष प्रसार में किया गया कार्य, तो रुद्धोष प्रसार में किया गया कार्य में ये किया गया कार्य का फार्मूला है, और ये कंडीशन है रुद्धोष्म के लिए, यहां से हम पी का वैल्यू निकाले, यहां पर पुटअप कर दिए, और फिर इसको हमने समाकलन कर लिया। बेसिकली आपको यहां पर समाकलन करना ठीक से आना चाहिए, यदि आप समाकलन में प्रॉब्लम होगा आपको तो फिर ये टॉपिक आप नहीं बना पाओगे। मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आप जरूर देखो यदि आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो ये इसका फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों किया गया कार्य मैंने आज के इस क्लास में आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसका आपको मिलेगा कार्नो इंजन। कार्नो इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस क्लास में मैं आपको सिर्फ कार्नो इंजन पढ़ाऊंगा, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक क्लास में मैं आपको अच्छे से कवर करा सकूं। बड़ा टॉपिक है, करीब 20-22 स्टेप का बड़ा डेरिवेशन है। तो ये पूरा सीरीज मैं आपको इस तरह से 11th क्लास का कंप्लीट करूंगा, और फिर आपको एक बार नोटिस करता हूं कि हमारे लाइव क्लास 2023 सेशन के लिए 22-23 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा रेगुलर लाइव क्लास का टाइम है, उसमें आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो वो क्लास आप जरूर अटेंड करो शुरू से देखने के लिए, और ये जो हमारा क्लास है वो 11th का आपका सिलेबस है, वो उसको कंप्लीट कर देगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच।